कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर रोष है युवाओं में, आपको लगता है कि सरकार को सामने आकर युवाओं को समझाना चाहिए इस स्कीम को? हर एक को समझाना चाहिए, हर मामले में लोकतंत्र में सरकार जो करती है उसको समझाना चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार समझा रही है, कौन रोकता उनको समझाने से? लेकिन उन्होंने तो उल्टा वार करना शुरू कर दिया। कोई अगर सहमत नहीं है, अगर कोई इस स्कीम का समर्थन नहीं करता है तो उस पर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये लोग तो झूठे हैं, ये सरकार विरोधी हैं, ये देश विरोध। ऐसा नहीं है, सरकार का विरोध अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी पॉलिसी से सहमत नहीं हैं, किसी पॉलिसी से आप अग्री नहीं करते हैं, तो ये आपका अधिकार भी है, दायित्व भी है कि आप उसका विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। इसीलिए हम आज वही कर रहे हैं। सर, एक जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है, रोष लगातार युवाओं में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या अपील आप उन युवाओं से करेंगे जो इस वक्त प्रदर्शन कर चुके हैं? सोनिया जी कर चुकी हैं, मेरी अपील उन तक पहुंचे ना पहुंचे, सोनिया जी की अपील जा चुकी है, प्रियंका जी अपील कर चुकी हैं कि हम कहीं भी हिंसा का सहारा ना लें। हमको हिंसा का सहारा जो है वो शोभा नहीं देता है। ये वो लोग हैं जिन्हें एक दिन भारत की फौज का यूनिफॉर्म पहनना है, ऐसे लोगों को इतने सम्मानित पदों पर जाना है, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हिंसा से दूर रहेंगे, हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। और हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो पूरा देश खड़ा है उनके साथ, हम लोग यहाँ पूरा दिन दे रहे हैं। तो जब इतने लोग उनके साथ हैं तो वो क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सर, एक और आखिरी सवाल कि लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है कि जब भी सरकार कोई अच्छी योजना लेकर आती है तो आप लोग युवाओं को भड़काने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छी योजना लेकर आएंगी तो हम लोग उनको ताली बजाकर उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अरे अच्छी योजना की परिभाषा क्या है ये तो तय करना होगा ना। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि ये अच्छी योजना है। अच्छी योजना होती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते सत्याग्रह में? तो कांग्रेस पार्टी संशोधन से मान जाएगी अगर सरकार आने वाले दिनों में और संशोधन करती है, या फिर पूरी तरह से ये संशोधन हमारे लिए थोड़ी करना है। ये संशोधन भारत की ये जो सेना का ढांचा है उसको बचाने के लिए करना है। इसमें नौजवानों का एक इशू है, इसमें सेना के ढांचे का एक और इशू है, और जो सेना के ढांचे की कल्पना इस देश में रही है उसको हम ठेस ना लगने दें। इसके लिए तो उनको सेना के लोगों से और जिनका सेना में विशेष रुचि है उन सब से बात करनी होगी। हमसे भी बात करें, हम भी अपने सुझाव देंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी थे जिनका कहना था कि सरकार अगर कोई अच्छा स्कीम लेकर आएगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर स्वागत करेगी, लेकिन जो अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है वो युवाओं के विरोध में है और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।